आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने कर्सर पॉइंट को हाईलाइट और बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि हम अपना कर्सर पॉइंट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं और इसका साइज भी कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है वो बड़ा ही सिंपल है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आपके पास अगर विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है तो आपको जो है सीधा इसके सेटिंग्स में जाना है। ये हम सेटिंग्स में आ गए हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आपको जाना है डिवाइसेस में। तो ये हमने डिवाइसेस को क्लिक कर दिया है। डिवाइसेस के बाद आप लेफ्ट साइड के मेन्यू के अंदर देखेंगे कि आपके पास माउस का ऑप्शन है, तो हमने माउस का ऑप्शन क्लिक कर दिया है। और थोड़ा सा हम नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे नीचे आके रिलेटेड सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज। तो हम इसको क्लिक करते हैं एडजस्ट माउस एंड साइज एंड कलर को। यहाँ पे इसमें जो है आप पॉइंटर का साइज और कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको जो है ये जो हमारे पास ये बना हुआ है, इसको जब हम मूव करेंगे स्लाइडर को राइट की तरफ, तो आप देखते हैं कि ये कर्सर का साइज जो है बड़ा हो गया है। अब इस बड़े कर्सर का जो है हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस जो है वो सर्कल को टच करने से जो है नीचे सारे कलर ऑप्शन आ जाते हैं, और आपको कोई भी कलर जैसे पसंद हो तो आप कोई भी कलर इसमें चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से जो है इसके कलर्स चेंज हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इस पहले मेथड के अंदर जो है एक जो है बड़ी शॉर्टकमिंग है जो मेरे को पता लगी है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर जो है ये कर्सर छोटा ही नजर आ रहा है, और अगर इसको हम यहां से बाहर भी निकल जाते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर जो है जैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नजर आ रहा है ये कर्सर छोटा ही दिखता है, मगर आपके लैपटॉप के ऊपर इसका साइज बड़ा भी हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। तो आप इसको लैपटॉप के ऊपर अपने पर्सनल यूज के लिए तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से अगर आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा मेथड जो है सूटेबल है। उस दूसरे मेथड के अंदर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर भी कर्सर का साइज बड़ा भी हो जाता है, कलर्ड भी हो जाता है और हाईलाइट भी हो जाता है। तो लेट्स गो टू द सेकेंड मेथड। अब हम बात करते हैं कि हमारा सेकेंड मेथड कौन सा है जिससे हम अपने कर्सर को पॉइंटर को हाईलाइट कर सकते हैं और मेक इट लुक बेटर। तो इसके अंदर हमने जो है जाना है अपने विंडोज 10 के अंदर जो है हमने जाना है यहाँ पे और टाइप करना है सर्च बार के अंदर स्टोर को। स्टोर को टाइप करने के बाद हम देखेंगे कि यहां पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का जो है आइकॉन आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट आइकॉन के ऊपर जो है स्टोर के आइकॉन को आप खोल लीजिएगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है इसके अंदर एप्स होती हैं। जैसे आप फोन के ऊपर एप्स डाउनलोड करते हैं, इसी तरीके से विंडोज 10 के अंदर आप जो है अपने लैपटॉप के ऊपर एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ऐप है जिसका मैं आपको नाम बताता हूं। इस ऐप का नाम है माउस पॉइंटर हाईलाइट। तो मैं इसमें टाइप करता हूं MOUSE मॉइस माउस पॉइंटर हाईलाइट। ये माउस पॉइंटर हाईलाइट आप देखेंगे कि ये आइकॉन आ गया है जिसमें 3 कलर की बिल्ली बनी हुई है और इसके ये 2 कान है। इसी को आपने सेलेक्ट करना है, इसी ऐप को आपने लेना है। तो ये हमने इसको क्लिक कर दिया है, ये इसका पेज खुल गया है। तो इसके अंदर आपको मैं बताऊं इस तरीके का जो है हाईलाइटेड पॉइंटर जो है मिलता है। तो इसको हम अब जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। गेट को मैंने टाइप कर दिया है और मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर लैपटॉप। तो ये फटाफट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो लेट्स वेट, थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। इस तरीके के जो है हमारे टेक वीडियोस जो हैं हम बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर इस तरीके के हमारे अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जो है वो हम आपको जो है इनका अपडेट्स देते रहें और आपको जो है वो नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो ये जैसे मैंने यहां से ओपन करा तो आप देख रहे हैं कि ये खुल गया, और खुलने के साथ ही मेरा जो ये माउस का पॉइंटर है ये हाईलाइट हो गया है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर, अब इसको आप पीछे से वैसे बंद कर सकते हैं, ये हमने बंद कर दिया और ये जो है मेन्यू खुल गया है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें इसका हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे 30 लिखा हुआ है तो इसको मैं 50 कर सकता हूं।
50 करने के बाद अब देखेंगे कि अप्लाई सेटिंग्स करते हैं तो ये बड़ा हो गया। जो है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कलर कीजिए और कोई भी कलर, जैसे अब मैंने ब्लू कलर कर लिया तो ये जो है ओके करेंगे तो ये ब्लू हो जाता है। सिमिलरली जो है सिलेक्ट कलर जाके आप दूसरा से और कलर करना चाहें कोई, जैसे ये हमने रेड कलर चूज किया है, ओके किया तो यहाँ पे रेड हो जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी है क्लिक कलर की, तो जैसे यहाँ पे ये पिंक हो रखा है तो आप देखेंगे मैं यहाँ इसको रख के जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पिंक शो करेगा। तो ये एक फीचर है जो आप YouTube वीडियोस के अंदर जो है अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसके लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसके अंदर भी जो है आप साइज जो है डिक्रीज कर सकते हैं इसका, जैसे ये 40 है तो मैंने इसको जो है अब इसको 10 कर दिया है, तो आपको नजर आएगा कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो है अप्लाई सेटिंग, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो इसका साइज जो है छोटा हो गया है। सिमिलरली जो है इस क्लिक का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने इसको अब जो है वो ग्रीन कर दिया है और ओके करके अप्लाई सेटिंग कर दी है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 10 की जगह पे हम फिर से 30 कर देते हैं इसको और अप्लाई सेटिंग करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये नीचे उसका जो है क्लिक भी नजर आता है। तो ये जो है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर भी काम करेगा और यूट्यूब वीडियोज आपको बनाने के लिए जो है बहुत मदद करेगा। मगर एक चीज और है, इसको आपने बंद नहीं करना है, अगर आप बंद कर देंगे इसको तो ये आपका जो हाईलाइट है चला जाएगा। तो वीडियो बनाते वक्त या इसको यूज करते वक्त आपको सिर्फ इसको मिनिमाइज ही करना है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो जो है वो इतना ही है। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आपको जो है फर्दर जो है इसके अपडेट नए वीडियोज के मिलते रहे। थैंक यू सो मच।